First of all, we have to learn what is the definition of active passive, then after example, then after what actually need of this topic, and after rules. Okay. First of all, when the subject in the sentence is active, it is full active. Whenever you feel that subject do any action, then it is active. I do my work, then it is active. सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर वही एक्शन कर रहा है, इट इज कॉल्ड एक्टिव सेंटेंस. एंड ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल, तो आई ईट मैंने खाया, सब्जेक्ट एक्शन किया. ओके, इट इज फॉर एक्टिव सेंटेंस. पैसिव इट इज वे भी होगा, एन एप्पल is eaten by me. मतलब I जो था वो last में चला गया, वो बन गया object. और जो object था वो subject की place ले लेता है. It is called passive. जहाँ पे doer of the action जो subject है वो passive role में, वो active नहीं है, subject passive है. It is called passive sentence. Okay. I read a lesson. हुआ है,
तो कई बार कुछ चीजों में ये वर्ड यूज करना होता है, हर बार एक ही टाइप का सेंटेंस बोला जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, और हर एक ग्रामर का टॉपिक कुछ न कुछ इनोवेटिव चीज लेके आता है, इसीलिए लर्न करने में अच्छा लगता है। जैसे टेंस है, हर एक टेंस का एक अलग यूज है, डिफरेंट यूज है, ऐसा नहीं कि एक टेंस को बात करता हूँ, नॉट पॉसिबल। गुजराती हमारा लैंग्वेज है, अपने से बड़ा गुरु तो कोई है नहीं एज पर माई पॉइंट।
मुझे इस वे में याद रखना है, तो आप अपने बेस्ट गुरु बन सकते हो, है ना। इंग्लिश सीखने में भी ऐसा करो, डेली 10-10 वर्ड्स स्पीक करोगे तो भी धीरे 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 आपको ये पता होगा कि आप कितना ग्रो अप हो रहे हो। एक वर्क फॉर्म की बुक आती है रेन एंड मार्टिन, उसके राइटर है, कहीं पे भी किसी भी स्टोर पे जैसे स्टूडेंट है वहां पे सिर्फ आप बोलोगे रेन एंड मार्टिन जो है उसका वर्क फॉर्म, उसकी बुक दीजिए, हार्डली 40-50 पेज की होगी, बहुत पतली सी बुक है, उसमें बहुत सारे वर्क फॉर्म है। वर्क फॉर्म मतलब एक्शन वर्ड्स, बोलू समझू लाइक दैट। तो वो जो जनरल है स्पीक लिसन वॉकिंग वॉक फिर सीट, बट कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जैसे डंग मारो तो स्टिंग कर, बहुत सारे ऐसे वर्ब है जो हमें नहीं पता, तो वो वर्ब फॉर्म की बुक है, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और उससे आपका जो है डेवलपमेंट लेवल जो है वो जल्दी से राइज होने लगेगा। ओके, लेट मी कम टू एक्टिविटीज। तो फर्स्ट जो हमें याद रखना था व्हेन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस है, जब सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करता है तो वो एक्टिव है, एक्ट करता है तो एक्टिव है। व्हेन द सब्जेक्ट इन सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन बाय मी, है ना, वो डायरेक्टली एक्शन नहीं करता है पर मेरे द्वारा ये चीज हुआ, एक्टेड अपॉन, इट मींस पैसिव। Yeah.
उसका then बन जाएगा he है तो he का first okay we play cricket example for we play cricket उसका convert करना है passive में तो cricket पहले ले आओ cricket play है simple present तो simple present है इंतजार होता है we are we के साथ are यूज होगा we are played क्यों क्योंकि यहाँ रूल है कि आपको थर्ड फॉर्म में यूज करना है play का played हो जाएगा we are played sorry cricket first आएगा cricket is played by us okay passive करना है okay तो यहाँ पे I की जगह अगर we है तो object बनेगा तो we का us में convert हो जाएगा okay cricket is played by us like that if अभी तो सब कुछ क्लियर है बट उसके बाद इरेज हो जाएगा।